निकाय निर्वाचन के बाद 13 मई को होने वाली मतगणना को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। जनपद में 7 नगर पालिका परिषद व नगर पंचायतों के लिए हुए निर्वाचन के लिए 5 स्ट्रांग रूम बनाए गए, जिन पर पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। जिला प्रशासन ने मीडिया कर्मियों को भी मतगणना स्थल पर जाने के लिए प्रतिबंधित किया है। उन्हें जानकारी दिए जाने के लिए अलग से पंडाल बनाया गया है, जहां पर मतगणना से संबंधित सारी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने GIC के स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया और सुरक्षा कर्मियों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि 13 नगर निगम के पास स्थानों पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। प्रत्येक टेबल पर 2 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। इस मौके पर उनके साथ तहसीलदार सदर प्रतीक त्रिपाठी भी मौजूद रहे। अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। प्रशासन की ओर से तैयारी की, कितनी फोर्स लगाई गई है? जनपद में 5 स्थानों पर मतगणना की जाएगी। हमारे उन्हीं 5 स्थानों पे 13 निकायों के स्ट्रांग रूम भी है, तो पर स्ट्रांग रूम के हिसाब से हमने अलग से सिक्योरिटी गार्ड लगाया हुआ है, गार्ड लगाई हुई है। साथ ही साथ एक फिलहाल केंद्रों पर आउटर कॉर्डन है, जो कि स्थानीय पुलिस द्वारा उसको किया गया है, उसकी सुरक्षा की जा रही है। जहाँ तक मतगणना की बात है, प्रत्येक टेबल पर हमारे 2 आरक्षी रहेंगे। जो स्ट्रांग रूम है, वहाँ से बैलेट बॉक्सेस ले जाने के लिए और ले आने के लिए अलग से हमने फोर्स लगा रखी है। जो गैलरीज हैं जहाँ मतगणना हो रही है, वहाँ पर भी फोर्स हमने लगाया हुआ है। शासन द्वारा हमें मतगणना सुचारू रूप से चलाने के लिए 1 प्लाटून SSB और 2 प्लाटून PSC भी दी गई है, जिनका हम विभिन्न जगहों पर प्रयोग कर रहे हैं, केंद्रों पर लगाया जा रहा है। साथ ही साथ जो वरिष्ठ अधिकारी उनके हमराह हैं। इसके अलावा जो हमारे 13 निकाय हैं, जहाँ जहाँ जैसे सेंसिटिविटी है, चूँकि मतगणना तो एक स्थान पर हो रहा है लेकिन निकाय अलग अलग जगहों पर है, तो उन स्थानों पर भी हम लोग मतगणना होते समय और उसके बाद तक के लिए भी फोर्स लगाए हैं, ताकि जो विजयी हुए प्रत्याशी हैं और जो हार गए हैं, उनके बीच कोई अनबन या मनमुटाव या कोई विवाद न होने पाए।